everyone. Hope you all are doing good. Welcome back to my channel. आज की वीडियो में आप लोग के साथ मैं अपनी नेल पेंट कलेक्शन जो है वो शेयर करने वाली हूँ और इसके साथ मैं इनके स्वॉचेस और रिव्यूज आप लोग के साथ शेयर करती जाऊंगी। दूसरी बात ये कि जितने भी आपके सामने मेरी नेल पेंट्स पड़ी हैं ये ऑलमोस्ट सब लोकल ब्रांड्स की हैं। आप लोग लोकल मार्केट से इनको परचेज कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा रीजनेबल भी हैं। तो ये वो नेल पेंट्स हैं जो मेरे पास घर में अवेलेबल थी और इसलिए मैं इसका पार्ट वन अभी बना रही हूँ। पार्ट टू जो है मैं इंशाल्लाह जब हॉस्टल जाऊँगी तब आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मेरे पास वहाँ पर और भी बहुत सारी नेल पेंट्स हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है जी मेरा पूरा नेल पेंट का डब्बा, ठीक है। इस तरह का है, प्लास्टिक बॉक्स है बकेट शेप में, ठीक है। इसके अंदर मैंने अपनी सारी नेल पेंट्स जो हैं वो रखी हुई हैं। तो चलें अब इनको निकालते हैं। ये देखें, अच्छा इसमें ना कुछ नेल पेंट्स हैं जो बिल्कुल ही ड्राई हुई हुई हैं और वो यूज़ में नहीं है, बट मैं फिर भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग को पता लग जाए कि वो कौन सी कंपनी की थी और कौन से शेड्स थे। दैट्स वाई सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ पील ऑफ नेल पेंट्स जो हैं वो शेयर करती हूँ। तो ये सारी जो नेल पेंट्स हैं ये सारी पील ऑफ में हैं और कंपनी की बात करें तो ये ग्लैमरस की हैं। देखें ये सारी ग्लैमरस की हैं, ये बहुत अच्छी और रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल गई थी और मैं यही यूज़ करती हूँ और मेरे बहुत काम आती हैं। अच्छा ये जो आपको ऊपर नज़र आ रही हैं ये वाली तीन, तो ये इनकी पुरानी पैकेजिंग थी तो इसका ब्रश जो था वो भी इतना कुछ खास नहीं था, मुझे इतनी पसंद नहीं थी ये, बट इन्होंने थोड़े ही टाइम बाद इस तरह की पैकेजिंग निकाली है। इसका ब्रश भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोगों को नेल पेंट्स चाहिए पील ऑफ में आप लोग ज़रूरी ग्लैमरस की परचेज कीजिएगा। तो अब मैं आपका इसका स्वॉच करके दिखाती हूँ। ये देखें मैंने खोल ली एंड दिस, ये देखें ये हमारी लग चुकी है नेल पेंट, ठीक है। इसका शेड नंबर है 10, ठीक है, इसके पीछे लिखा हुआ है। तो आप लोग अगर चाहो तो ये ले सकते हो, पील ऑफ है ये। अब ये ब्लैक में लगाते हैं, इसको मैं ओपन कर लूँ। ये देखिए अब इसकी बात करते हैं, इसका शेड नंबर 6 है और कलर ये मरून में है। तो अब इसको अप्लाई करते हैं। तो ये देखें मरून कलर, बहुत ही खूबसूरत कलर है ये। ये ब्लू नेल पेंट की बात करते हैं तो इसका भी शेड नंबर 2 ही है। आई डोंट नो पिछले वाले का भी 2 था, इसका भी 2 है, कोई मिस्टेक हुई होगी। तो चलें इसको स्वॉच करते हैं। तो ये देखें ब्लू में, ये ग्रीन का मैं आपको स्वॉच करके दिखा देती बट ये अंदर से बिल्कुल अजीब सा हुआ हुआ है, काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया तो बड़ा बड़ा ये ख़राब हो गया। देखें इस तरह का इसका ब्रश है, ख़राब है अंदर से। और ये वाला मरून भी कुछ इस तरह का हुआ हुआ है, ये देखें इसका ब्रश भी ख़राब है और ये बिल्कुल ड्राई है। अब आ जाते हैं परमानेंट नेल पेंट्स की तरफ। तो ये सारे परमानेंट हैं, तो इसमें से कुछ जो है वो मेरे यूज़ में नहीं है, बाकी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बुक ले ली है और इस नीट से पेज के ऊपर मैं आप लोगों को ये सारे स्वॉचेज जो हैं वो करके दिखाऊंगी। मैं अपने फिंगर्स पे अप्लाई करके इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि अभी मैं नहीं चाहती कि मेरी हाथ ख़राब हो और इन्होंने फिर उतरना नहीं है, मुझे नेल पेंट रिमूवर से साफ़ करना पड़ेगा तो बड़ी मेहनत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे यूज़ में नहीं है वो आप लोगों को बता दूँ। एक ये है, ठीक है, ये मैकेट स्टूडियो की थी, ये शिमरी सा इसका शेड था। और ये है, ठीक है, ये रेड में थी। तो ये वाला क्रिस्टाइन का शाइनर है, ये मैं अपने नेल्स को शाइन करने के लिए यूज़ करती थी और अभी बिल्कुल फिनिश हो गया। तो ये मैं साइड पे कर रही हूँ, तीनों ये मेरे यूज़ में नहीं है क्योंकि ये बहुत ड्राई हो चुके हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लाजोना की स्वॉचेस दिखाती हूँ, ठीक है। ये अगर आप मेरे इंस्टा पे रेगुलर फॉलोवर आप लोगों को पता होगा मैं क्लाजोना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। इसकी बहुत ही छोटी सी पैकेजिंग होती है और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में और इनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है इनकी। तो सबसे पहले ये मरून कलर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, इसका शेड नंबर 1 है, ठीक है।
ये देखें, मैंने साथ लिख भी दिया इसका शेड, और ये आप लोग शेड इसका देख लो गौर से, बहुत ही प्यारा ब्राइट रेड है ये। अब मैं इसका स्वॉच दिखाती हूँ, इसका शेड है 11, ये भी क्लाजोना की है। ये आप लोग इसका शेड देख लो, चॉकलेटी डार्क ब्राउन कलर है ये, और शेड नंबर 11 है। तो ये थर्ड है, ये देखें इसका शेड शिमरी ऑरेंज सा है, और ये शेड नंबर 4 है। ठीक है, अब ये एक्वा नेल पेंट्स की बात करते हैं। एक्वा कंपनी की है ये, और इनकी जो पैकेजिंग है मुझे बहुत पसंद है, इनका ब्रश भी बहुत अच्छा है, और काफ़ी अच्छी पैकेजिंग और हैवी बॉटल होती है इनकी। और अब इनके स्वॉचेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने ये वाला शेड जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये देखें ये वाला ऑलिव डार्क ग्रीन कलर है ये, और एक्वा कंपनी है, और शेड नंबर 4 है। ठीक है, अब मैंने ये वाला शेड जो है वो यहाँ पे स्वॉच किया है, ये देखें बहुत ही प्यारा मडी सा कलर है ये, मडी ब्राउन, और शेड नंबर 1 है ये। तो अब ये बहुत ही प्यारा पिंक कलर जो है वो मैंने यहाँ स्वॉच किया है, ये देखें इस तरह का है ये, और इसका शेड नंबर 7 है। तो गाइस, मैंने ये वाली 4 नेल पेंट्स जो हैं वो चेकआउट किए हैं, तो ये चारों भी ड्राई हुई हुई हैं, और ये शेड्स आप लोग देख लो इसके, ये स्टाइल 18 की थी, ये मैंने बहुत यूज़ की थी। और ये जस्ट गोल्ड की कंपनी है ये वाली, ये दो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, इस कंपनी के ब्रशेस भी अच्छे नहीं थे, और क्वालिटी वाइज भी अच्छी नहीं थी इनकी पेंट्स। और ये जेनी की है, जेनी क्विक, ठीक है, ये भी कोई लोकली ब्रांड है। ये लास्ट में है जेनी क्विक डे की, और ये भी लोकल ब्रांड की थी, और ये बहुत ही फजूल थी नेल पेंट। वैसे ये 3 नेल पेंट्स रह गई हैं, ठीक है, एक है ज्वेला की, एक है रोमन सुपर की, और एक यूस्टाइन की। तो इनके स्वॉचेस मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। इसका स्वॉच मैंने अभी यहाँ किया है, ये देखें बहुत ही प्यारा ब्लू शेड है, स्काई ब्लू सा, और इसका शेड नंबर 86 है। इसका मैंने अब स्वॉच किया है, ये देखें ये शिमरी सा पर्पल कलर है, बहुत ही प्यारा, और इसका शेड है 1158। अब मैंने इसका स्वॉच किया है, रोमन्स का है ये नेल पेंट, और ये बिल्कुल प्योर ब्लैक कलर है, और इसका शेड नंबर 6 है। तो गाइज, मैंने ये सारे नेल पेंट्स जो हैं वो लोकल मार्केट से परचेज़ किए थे, तो आप लोगों भी किसी भी लोकल मार्केट में कॉस्मेटिक शॉप से आराम से ये मिल जाएंगे, किसी भी ऑनलाइन शॉप से मैंने ये नहीं लिए, तो मैं आप लोगों के साथ कोई लिंक शेयर नहीं कर सकती। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।